अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZF लर्निंग ट्रिक्स। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, आज मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। 10 तरह के एग्जाम होते हैं एडजेक्टिव की, 10 एग्जाम होती है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 4, प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर 5, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 6, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। नंबर 7, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 8, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नंबर 9, एम्फेटिव एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये 10 एडजेक्टिव की टाइप्स होती है। अब हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको उर्दू में कहते हैं मियार की सिर्फ। डेफिनेशन इज की एन एडजेक्टिव दैट शोज अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक सिर्फ जो किसी इसम की मियार के बारे में जाहिर करती है, इसमें सिर्फ कहलाती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी शख्स या चीज़ के बारे में हमें बताता है कि वो शख्स या चीज़ किस तरह की है, इसकी क्वालिटी। इसे क्वालिटी कहते हैं खासियत को जिसमें अच्छाई या बुराई सब हो, इसके अंदर वो चीज़ या शख्स कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, स्टूपिड, शॉर्ट, लॉन्ग, बिटर, सॉर, स्वीट, ब्यूटिफुल, जॉर्जियस, क्यूट, फेयर, प्योर, वाइट, नैरो, ऑनेस्ट, फैटफुल, केयरफुल, स्पाइसी, टेस्टी, अमेजिंग, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, वर्थी, रिस्पेक्टफुल, रॉ, राइप, सेम, डिफरेंट, सैड, क्लेवर, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहे हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आ ब्यूटीफुल प्लेस, एक खूबसूरत जगह। इसमें सेंटेंस के अंदर इस जगह की तारीफ की जा रही है। ब्यूटीफुल जो हमारे पास एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल गर्ल, इस गर्ल की, इस लड़की की तारीफ की जा रही है कि वो खूबसूरत है, ये ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट बॉय, जहीन लड़का, इस लड़के की तारीफ की जा रही है इसके अंदर, ये बॉय जो है नाउन है, इसमें इसकी तारीफ की जा रही है, तो ये इंटेलिजेंट जो है हमारे पास ये एडजेक्टिव है। सेकंड काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मींस मिकदार की सिफ्त। डेफिनेशन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग्स इस मीन। मिकदार की सिर्फ जाहिर करती है कि किस चीज़ का कितना मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। इस सेंटेंस के अंदर सम जो है हमारे पास एडजेक्टिव है। सेकंड है ही हैज लिटल इंटेलिजेंस, इसके पास जहानत कम है। लिटल यहाँ पर एडजेक्टिव है। ही शो मच पेशेंस, इसने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। अब यहाँ पे मच जो है, मच हमारे पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, इसने अपनी तमाम दौलत खो दी। इस सेंटेंस के अंदर ऑल जो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मिकदार की सिर्फ के सवाल का जवाब देती है कि ये कितना है। यहाँ पर सम, लिटल, मच, ऑल, यहाँ ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, ये सब क्वांटिटी को बता रहे हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव है।
नंबर 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर की सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आल्सो कॉल्ड न्यूमेरल्स। एडजेक्टिव शो हाउ मेनी पर्संस और थिंग्स और मीट। नंबर की सिफ्ती जिसे अतिसिफ्त भी कहा जाता है, इससे मुराद कितने अफराद या चीजें हैं। दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चंस हाउ मेनी। ये सिफ्ती सवाल का जवाब देती है कि कितने हैं। देयर आर टू टाइप्स, ये दो किस्म की होती। नंबर 1 डेफिनेट न्यूमेरल्स कतई हिंसे। नंबर 2 इनडेफिनेट न्यूमेरल्स गैर मुआयना हिंसे। डेफिनेट न्यूमेरल्स शो सम एक्सैक्ट नंबर। कतई हिंसे कुछ सही आदाद दिखाते हैं। कार्डिनल्स 1, 2, 3, 4। कार्डिनल्स 1, 2, 3, 4 ऑर्डिनल्स होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह के होते हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल रिजर्व सिंगल डबल ट्रिपल चुगनी। सेकंड है इनडेफिनाइट न्यूमेरल्स डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर। गैर मुआयना हिंसे एक दुरुस्त नंबर नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल ऑल तमाम सम कुछ इनफ काफी नॉन कोई नहीं मैनी बहुत सी फ्यू चंद आ फ्यू कुछ सेवरल कई एनी कोई आ लॉट्स ऑफ बहुत कुछ एक्सेट्रा। नंबर 4 है प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब है मुनासिब सिफ्त। प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। मुनासिब सिफ्ते एक मुनासिब इसम से बनती है, जैसे प्रॉपर नाउन है हमारे पास चाइना, प्रॉपर एडजेक्टिव है चाइनीज। प्रॉपर नाउन में है आयरलैंड, तो प्रॉपर एडजेक्टिव में हम लिखेंगे आयरिश। मार्स मार्शन, अमेरिका अमेरिकन। सेंट्रल पार्क इज नाउ एन अमेरिकन लैंडमार्क। सेंट्रल पार्क अब एक अमरीकी तारीखी निशान है। फिफ्थ है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव सवालिया सिर्फ। द एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। वो सिफ्ती जो सवाल पूछकर किसी सम या जमीर को तब्दील करती है, इनको सवालिया सिफ्त भी कहते हैं। There are 3 interrogative adjectives in English. What, which and whose. अंग्रेजी में 3 तफ्तीशी सिफ्ते हैं, क्या कौन सा और किसका। We use these adjectives to ask a question as. हम सवाल पूछने के लिए ये सिफ्त इस्तेमाल करते हैं। For example, interrogative pronouns में हमेशा वर्ड विच हुज के बाद वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल वट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। विच इज योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप कौन सा है। हुज इज दिस बाइक, ये मोटरसाइकिल किसकी है। और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में ये हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। वर्ड विच हुज जो है नाउन से पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल What name have you written there? आपने वहाँ क्या नाम लिखा है। Which laptop is yours? कौन सा लैपटॉप आपका है। Whose bike is this? ये किसकी मोटरसाइकिल है। Whose book are you reading? किसकी किताब पढ़ रहे हो। Which car are you driving? आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। What color is this flower? ये फूल किस रंग का है। Friends, ये बात हमेशा याद रखना है। Interrogative adjective हमेशा noun से पहले इस्तेमाल होगा। यहाँ पर name, laptop, bike, book, car ये सब क्या है, noun है। तो noun से पहले अगर word, which, whose आएगा तो interrogative adjective कहलाते हैं। और
वर्ड विच हुज के बाद अगर वर्ब आता है तो फिर क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो देखी है तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नंबर 6, पॉजेसिव एडजेक्टिव हामिल सिर्फ। पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज टू शो दैट समवन ओन्स आर पॉजेसेस सम थिंग्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव को ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई किसी चीज़ का मालिक है या इसके पास है। फॉर एग्जाम्पल, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, जैसे मेरा, हमारा, आपका, इसका, इनका। अब इन वर्ड्स को सेंटेंस में भी यूज़ किए गए हैं। माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू हेल्प मी, मेरा दोस्त मेरी मदद करने जा रहा है। आवर मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन, हमारी मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। योर नेम हैज नॉट बीन लिस्टेड, आपका नाम दर्ज नहीं किया गया है। हिज फादर हैज सेंड हिम सम अमाउंट, इसके वालिद ने इसे कुछ रकम भेजी है। हर फ्रेंड्स हेल्प हर इन एवरी वे पॉसिबल, इसके दोस्त इसकी हर मुमकिन मदद करते हैं। दिस कॉलेज हैज इट्स ओन प्रीमाइसेस, इस कॉलेज की अपनी जगह है। ऑल मेंबर्स अटेंडेड द इंटरव्यू विद देयर ओरिजिनल्स, तमाम मेंबरान ने अपनी असलियत के साथ इंटरव्यू में शिरकत की। ये सारे वर्ड्स यहाँ पर माई, अवर, योर, हिज, हर, दिस, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे यहाँ पर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नंबर 7 है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मीन्स नुमाइशी सिर्फ। आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय टॉकिंग अबाउट इट्स नंबर एंड vicinity of the speaker। एक नुमाइशी सिफ्त एक ऐसा लफ्ज है जो किसी इसम की तादाद और बोलने के आसपास के बारे में बात करके इसमें तरमीम करता है। The demonstrative adjectives are this, that, these and those। नुमाइशी सिफ्तें ये है, ये, वो, ये और वो है। For example, I love this ball, मुझे ये गेंद पसंद है। ये सेंटेंस सिंगुलर सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये बोलने वाले के करीब है। सेकंड है आई लव दैट बॉल, मुझे वो गेंद पसंद है। ये सेंटेंस भी सिंगुलर सेंटेंस है। उस सेंटेंस के अंदर दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये बॉल बोलने वाले के दूर है। थर्ड है दीज ट्रीज आर ब्यूटिफुल, ये दरख्त है खूबसूरत। ये सेंटेंस जो है प्लूरल सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर दीज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में जो बात हो रही है ये दरख्त है खूबसूरत। ये दरख्त के बारे में बात हो रही है कि ये दरख्त खूबसूरत है, तो वो दरख्त जो है बोलने वाले के करीब है। फोर्थ है लेट्स सिट नियर बाय दोज ट्रीज, चलो पास बैठते हैं वो दरख्त। अब वो दरख्त दोज ट्रीज, ये सेंटेंस जो है ये प्लूरल सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर बोलने वाले के दूर है। ये सेंटेंस जो है इसके अंदर ट्रीज जो है बोलने वाले के दूर है, दूर बात, दूर दरख्त के लिए बात की जा रही है। नंबर 8 है एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एंड्स, एक जुमला जो शदीद जज्बात का इजहार करता है और ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ। एक्सप्रेसेस जॉय, खुशी का इजहार करता है। ये सेंटेंस जो है खुशी का इजहार कर रहा है। आई ट्रेजर यू, मैं आपको खजाना देती हूँ। एक्सप्रेसेस लव,
मोहब्बत का इजहार करती है। इस सेंटेंस के अंदर मोहब्बत का इजहार हो रहा है। शी एक्चुअली वॉन, वो असल में जीत किया। एक्सप्रेसेस सरप्राइज, हैरत का इजहार करती है। इस सेंटेंस के अंदर हैरत का इजहार हो रहा है। यू आर लेट अगेन, आपने फिर देर कर दी। एक्सप्रेसेस एंगर, गुस्से का इजहार करती है। इस सेंटेंस के अंदर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड जो शदीद जज्बात का इजहार कर रहे हो वो एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 9 है एम्फेटिव एडजेक्टिव या फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, सिफ्तों पर जोर देना। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर यूज्ड टू ले स्ट्रेस ऑन द प्रोसीडिंग नाउन, जोर देने वाले सिफ्त को आगे बढ़ने वाले इसम पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, आम जोर देने वाली सिफ्तें कौन सी होती है? वेरी एंड ऑन, बहुत और अपनी। फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम विथ माय ऑन आईज मींस मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। इस सेंटेंस के अंदर ऑन जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। सेकेंड है दिस वॉज द वेरी टॉय डैट माई चाइल्ड वॉन्टेड, ये वही खिलौना था जो मेरा बच्चा चाहता था। इस सेंटेंस के अंदर वेरी जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एम्फेटिक एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। लास्ट नंबर 10 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स तकसीम करने वाली सिफ्तें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट द पर्सन और थिंग्स नेम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। देयर आर ओनली अ फ्यू एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तकसीम करने वाली सिफ्तें इंफरादी तौर पर नामर्द अफरादी चीज़ों की निशानदही करती है। इज्तमाही तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ चंद सिफ्तें हैं। दे आर ईच एवरी इधर निधर, वो है हर एक हर या तो ना तो। फॉर एग्जाम्पल, ईच प्लेयर्स has to play well, हर खिलाड़ी को अच्छा खेलना होगा। इस सेंटेंस के अंदर each जो है हर, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकेंड है every student has sent an email, हर तालिबिलम ने email भेजी है। इस सेंटेंस के अंदर every जो है हर, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। थर्ड है इधर गर्ल कैन सॉल्व दिस पजल्स, या तो लड़की इस पहेली को हल कर सकती है। इस सेंटेंस के अंदर इधर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फोर्थ है नीदर प्रॉब्लम्स इज इजी टू सॉल्व, कोई भी मसला हल करना आसान नहीं है। नीदर कोई भी, नीदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। So yes guys, this is the end of the video. I hope you like it. So don't forget to like this video, subscribe our channel and hit the bell icon. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye.